तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। एक बहुत पवित्र अभियान का शुभारंभ कर रही है, वह है स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान। स्वास्थ्य स्वयं सेवक की क्या भूमिका हो सकती है, यह मैं बहुत नजदीक से समझ सकता हूं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय हम लोगों ने इस प्रकार के वॉलंटियर्स हर गांव में निगरानी समिति के रूप में तैनात किए थे। पहली लहर के बाद दूसरी लहर ज़्यादा संक्रमण की थी, आक्रामक थी, और उस समय प्रत्येक नागरिक की जान को बचाना, उनके जीवन को बचाना यह महत्वपूर्ण था। हम सब जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी। किसी भी प्रकार की महामारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ गई तो स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों को बचाने का कार्य करना। और उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि अगर हम निगरानी समितियों की 72,000 टीमें, जिसमें प्रत्येक टीम में 10 से 12 लोग थे, इसमें लोकल ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्र में, आंगनबाड़ी आशा वर्कर VNM और अन्य पंचायत और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को लेकर के 12 सदस्यीय टीम ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे ही 10 सदस्यीय टीम नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अध्यक्षता में घर घर का सर्वे करना, स्क्रीनिंग करना, लक्षणयुक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्य कर रही थी। उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे। देश की आबादी में की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का राज्य है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश की है, और 24 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ कोरोना के कुल 545 एक्टिव केस रह गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से कई छोटी आबादी के राज्यों में कई गुना ज़्यादा है, संक्रमण भी ज़्यादा है, एक्टिव केस भी ज़्यादा हैं, और प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी आबादी का राज्य आज किस तरीके से कोरोना प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निगरानी समितियों का मार्गदर्शन करके किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। लेकिन भाइयों बहनों, इसमें जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है वह है कि कोरोना महामारी के दौरान जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और नेतृत्व पूरे देश को मिला, देश का परिणाम दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में अच्छा रहा। ये महामारी तमाम लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ उनकी जीविका को बचाने के दृष्टि से भी, जो मॉडल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने खड़ा किया, दुनिया ने उसकी सराहना की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया, दुनिया ने भी, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की सराहना की। हम सब जानते हैं जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, उस समय हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। हमें आगरा के उन व्यापारियों को सैंपल टेस्ट के लिए NIB पुणे भेजना पड़ा था। इसी प्रकार से हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 4,00,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश 2,00,000 L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स कोरोना उपचार की दृष्टि से अपने पास तैयार करके रखा हुआ है।
थर्ड वेव के लिए भी हमने पीएलटेक आईसीयू के निर्माण के साथ साथ चिकित्सकों की ट्रेनिंग, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है और हर जनपद में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम चले इस दौरान आप सब इस बात को भी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में हम 7.25 करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। युवाओं की संख्या अगर मैं बताऊं तो 2.3 करोड़ से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश में वैक्सीन भी दे चुके हैं, यानी टेस्टिंग में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर और वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर। ये सभी कमाल एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बचाव के साथ साथ प्रशिक्षण, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और उसका एक परिणाम हमारे सामने आया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना के इस कालखंड में शासन में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी निर्वहन करने के कारण देश की आबादी की सबसे बड़े राज्य में उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी थीं, और उस समय हमारी प्रशासनिक मशीनरी के साथ केवल और केवल कोई एक राजनीतिक दल खड़ा रहा और वह अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रहा था, तो हमारे विचार परिवार के स्वयंसेवकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का रहा हो या फिर उन लोगों तक राहत के कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने का। यह अभियान बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर चला। अभी वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत गरीबों के लिए तमाम प्रकार की राहत सामग्री घोषित की गई, उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी एक है, और इसके माध्यम से हरेक गरीब तक हम खाद्यान्न पहुंचा सकें, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह सहयोग कर रहे हैं। हर 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार फ्री में राशन मिल रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर की है, देश के अंदर हम देखें तो 80 करोड़ लोगों की सुविधा प्रतिमाह मिल रही है। उन स्थितियों में थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, इन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी हेल्थ वॉलंटियर्स जो नियुक्त होंगे इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, और वैसे भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी और कम्युनिटी के स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना समाप्त भी होगा तो भी हम सब आभारी हैं और पूरे देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस महामारी का वैक्सीन बीमारी के आने के 9 महीने के अंदर ही देश को उपलब्ध करा दिया, और आज लगभग 50 करोड़ लोग यह वैक्सीन ले चुके हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन उपलब्ध कराया जा चुका है देश के अंदर। एक बड़ी उपलब्धि के साथ भारत आगे कार्य कर रहा है। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्वास्थ्य स्वयंसेवक के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और देश के अंदर 2 लाख राजस्व गांवों में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात करने का निर्णय लिया। लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि हर गांव में 2 हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक होंगे, एक महिला एक पुरुष। इनको किसी न किसी टीम के साथ जोड़ना है, यानी किसी चिकित्सक के साथ और किसी आईटी कार्यकर्ता या आईटी प्रोफेशंस के साथ में, क्योंकि ये मिलकर के 4 लोगों की टीम
निगरानी समिति के साथ में और अन्य लोगों के साथ मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। उत्तर प्रदेश की हमारी टीम ने 2 लाख का लक्ष्य रखा है, यानी 2 लाख स्वास्थ्य स्वयं सेवक हम खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 राजस्व गांव हैं, हर गांव में अगर हम 2-2 स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैनात कर लें सभी गांव आच्छादित हो जाते हैं। इसमें हमें भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM और सभी चिकित्सकों को लेना, इसमें से ज़्यादातर हमारे चिकित्सक आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM की ट्रेनिंग हो चुकी है। थर्ड वेव के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल अभियान चलाया है जिसमें पीडियाट्रिक ICU के साथ साथ पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट इन सब की ट्रेनिंग के एक व्यवस्थित कार्यक्रम को ANM, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस इन सब के प्रशिक्षण की कार्रवाई को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन साथ साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें टीका का सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। ये जो अभियान है स्वास्थ्य स्वयं सेवक की एक पवित्र अभियान है। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए न केवल कोरोना महामारी से बचाव के लिए बल्कि अन्य दृश्य भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इस पूरे अभियान का समर्थन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि जिन्होंने यह निर्णय देश को बचाने के लिए, प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए जो एक निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह अभिनंदनीय प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। इस पूरे प्रयास के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आभार प्रकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित जी से। तो लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत यहां पर CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है और उसी को लेकर अपने संबोधन में तमाम जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की तरफ से चला जा रही हैं उनका उल्लेख करते हुए CM योगी आदित्यनाथ नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।